महासम्मेलन जो यहाँ 2 नवंबर को करनाल के दशहरा ग्राउंड में अंत्योदय महासम्मेलन रखा गया है, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये जो आप कटआउट देख सकते हैं, पुतला देख सकते हैं, यहाँ पर लगाया गया है। और पूरे कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए, कल 2 तारीख का जो अंत्योदय महासम्मेलन है उसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे चली हुई हैं और ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन ये होगा। और कार्यक्रम का दौरा करने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम कल है, उससे पहले तमाम जो DSP हैं, SP हैं, अलग अलग पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। सामने जो मंच है वो मुख्य मंच है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठेंगे। वहीं पर एक पेंटिंग भी बनाई गई है। देखिए, जैसे हिमांशु जी आपने कहा कि कल ये अंत्योदय सम्मेलन है, वाकई अपने आप में जिस नाम को लेकर, जिस एक बात को लेकर हमारी केंद्र की सरकार भी, हरियाणा की सरकार भी अंत्योदय को लेकर आगे बढ़ रही है, हमारे सरकार का, हमारे जो पार्टी का एक नारा है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तरफ से चलाई गई है और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, यानी कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंच रहा है, ये बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अंत्योदय महासम्मेलन जो यहाँ 2 नवंबर को करनाल के दशहरा ग्राउंड में अंत्योदय महासम्मेलन रखा गया है, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये जो आप कटआउट देख सकते हैं, पुतला देख सकते हैं, यहाँ पर लगाया गया है। और पूरे कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह आकर देखेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे। और कार्यक्रम का दौरा करने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम कल है, उससे पहले तमाम जो DSP हैं, SP हैं, अलग अलग पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। और सामने जो मंच है वो मुख्य मंच है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठेंगे। वहीं पर एक पेंटिंग भी बनाई गई है और पीछे आप एक स्क्रीन देख पा रहे होंगे, इस स्क्रीन पर तमाम विजुअल्स, तमाम वीडियो क्लिप्स, तमाम फिल्म्स चलती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ एक मंच और बनाया गया है, जहाँ पर तमाम विधायक, तमाम सांसद बैठे हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर भी तमाम लाभार्थी बैठे हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ एक मंच और बनाया गया है, जो कलाकार यहाँ पहुँचेंगे, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, उनके लिए ये मंच है। आपको बता दें कि आखिर अंत्योदय होता क्या है। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि जो पंक्ति है उसमें आखिरी व्यक्ति तक हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। और हरियाणा सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो चिरायु योजना हो, चाहे वो निरोगी हरियाणा योजना हो, चाहे ना खर्ची ना पर्ची की बात की जाए, चाहे पेंशनर्स की बात की जाए, ये तमाम योजनाएं उन लाभार्थियों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी हो जाती है। और तमाम जो बोर्ड्स हैं आप देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग योजनाओं के हैं जो हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है, गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी तस्वीर है। और दूर तक आप देख सकते हैं कुर्सियां बिछाई गई हैं और कल जब 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा तो ये कुर्सियां आपको खचाखच भरी हुई नजर आएंगी। करीब 12 जिलों के SP की ड्यूटी लगाई गई है, कई DSP की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही साथ करनाल रेंज के IG हैं, DIG की ड्यूटी लगाई गई है, 27 टुकड़ियों की ड्यूटी लगाई गई है। और जो केंद्र की एजेंसियां हैं, चाहे वो CRPF की बात की जाए या अन्य एजेंसियों की बात की जाए, वो यहाँ पर नजर आएंगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। पहले की सरकारों में अक्सर क्या देखने को मिलता था कि जो
काम होते थे वो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, काम तो हो जाता था लेकिन बिचौलिए बीच में आकर काम करवाते थे, यानी कि किसी योजना का लाभ लेना है तो बीच में कोई बिचौलिया आ जाएगा, आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे, आप उसको पैसे देंगे, फिर जाकर आपका काम होता था। ऐसे में आम व्यक्ति को योजना का तो लाभ मिल जाता था लेकिन बिचौलिए को भी पैसे देने पड़ जाते थे, जिससे लाभ जो हो रहा होता था वो आधा हो जाता था। ये परेशानी अक्सर देखने को मिलती थी, लेकिन अब योजनाएं चलाई गई हैं और सभी योजनाएं डिजिटल माध्यम से चलाई जा रही हैं, तो इसका जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक, यानी कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचना जरूरी है, और उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। योजनाएं क्या क्या हैं वो हम आपको एक बार विस्तार से जानकारी दे देते हैं कि योजनाएं क्या क्या चलाई गई हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, और क्या उन योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो पहचान पत्र थे उसके जरिए बिचौलियों की भूमिका ख़त्म कर दी गई है, और 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ मिल रहा है। अंत्योदय जो है वो वहाँ तक किया है, अंतिम व्यक्ति तक किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने BPL कार्ड की वार्षिक आय सीमा जो 1,20,000 रुपये थी वो अब बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी है, और अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है उसे अंत्योदय किया है, यानी कि वो उसका लाभ उठा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देश में सर्वाधिक 2750 रुपये मासिक कर अंत्योदय किया है। अब बिचौलिए के बिना पेंशन की जो राशि है वो सीधा लाभार्थियों के खाते में आ जाती है, पहले जाना पड़ता था, पूरे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब पूरी जो पेंशन की राशि है वो खाते में आ जाती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो बिचौलिए की भूमिका ख़त्म कर DBT के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 80,000 करोड़ रुपए डालना भी अंत्योदय है। 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अंत्योदय एक किया है। साथ ही साथ परिवार पहचान पत्र के जरिए 71 लाख परिवारों को 2.83 करोड़ लोगों का जो डेटा है वो अपडेट करना अंत्योदय से अलग नहीं है, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ है वो पहुंचने का प्रयास है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख BPL राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाकर अंत्योदय किया है। वहीं सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन करना अंत्योदय है। CM विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान भी अंत्योदय है। DBT के तहत 141 परियोजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1,182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाना भी अंत्योदय है। इसी तरह और तमाम योजनाएं लेकर आए हैं, जिसमें ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के जरिए 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की और 8.93 लाख शिकायतों का जो निपटारा किया है वो भी अंत्योदय है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 27,22,000 किसानों को बिना बिचौलिए के 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम देना अंत्योदय है, यानी कि ये तमाम योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई गई हैं और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, यानी कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंच रहा है, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा तमाम चीज़ें और भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तोहफा दिया है हरियाणा की पब्लिक को कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं, 3 लाख पेंशन भोगी, और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस जो उपचार है वो सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ 569 सूचीबद्ध अस्पतालों में 1340 जो बीमारियां हैं वो कवर होंगी। योजना के प्रथम चरण में मत्स्य एवं बागवानी के 894 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। ये तमाम योजनाएं जो हैं वो हमने आप तक पहुंचाई है, और 1 नवंबर आज है,
आज हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तोहफा भी दिया है। कल कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 11 बजे हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो हरियाणा सरकार की तमाम योजनाएँ हैं उसके जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका बखान किया जाएगा कि 9 साल में हमने क्या क्या काम किया और आने वाले सालों में हम और क्या क्या काम करेंगे जिससे पब्लिक को फायदा होगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण। कहेंगे 2 तारीख को अंत्योदय महासम्मेलन है, क्या तैयारी और किस तरीके से देखेंगे? देखिए, कल 2 तारीख का जो अंत्योदय महासम्मेलन है उसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे चली हुई हैं और ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन ये होगा क्योंकि अंत्योदय के नाते जो योजनाएँ जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है या हरियाणा प्रदेश में, खास तौर पर मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इस दिशा में कार्य किया है और पहली बार हमने बहुत लंबे राजनीतिक अनुभव में ये चीज़ देखी है कि बहुत सारी सरकारें बनती थी, योजनाओं का जिक्र होता था मगर इतनी गंभीरता से धरातल पर योजनाओं को उतारना और जो भी गरीब व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, जो भी पात्र व्यक्ति है उनको योजनाओं का लाभ मिले, उस नाते से बड़ी गंभीरता से कार्य हुआ है। और अगर मैं कहूं कि आज पूरे भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने अंत्योदय के नाते गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है, गरीब कमज़ोर समाज के लिए कार्य किया है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो बधाई के पात्र हैं। कल का एक बहुत विशाल ये कार्यक्रम, कल को ये सम्मेलन होगा जिसमें हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो कि हमारे देश के आज एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने पूरे देश में जिस प्रकार से फैसले, कड़े फैसले जो हमारी देश की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो धारा 370 है या अन्य इस प्रकार के जो फैसले हैं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वो कदम उठाया जा रहा है जहाँ पर एक ओर राष्ट्र मजबूत हो, दूसरी तरफ समाज एक संतुलित समाज बने, विकास के नाते बहुत कार्य हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो कल का ये सम्मेलन 2 तारीख का सम्मेलन जिसमें एक संदेश जाएगा कि किस प्रकार से सरकार को समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि एक अभूतपूर्व सम्मेलन ही होगा। कौन कौन आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं इसमें, कितने लोग? बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे मगर इतनी बड़ी संख्या में भी लोगों के आने के बाद मैं कहूँगा कि एक सांकेतिक है क्योंकि हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, परिवार पहचान पत्र लगभग 17 लाख नए जो BPL कार्ड धारकों को इसमें शामिल करना, उस नाते से संख्या बहुत बड़ी बनती है जिनको केंद्र की तर्ज पर आयुष्मान के साथ आज चिरायु का लाभ मिल रहा है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आने वाले समय में उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा, उनको हर प्रकार की वो योजना का लाभ मिलेगा जो एक गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो वो संख्या तो बहुत बड़ी है मगर इस बहुत बड़े सम्मेलन को भी मैं कहूँगा कि एक सांकेतिक है जो कि एक पूरा संदेश, एक बड़ा संदेश पूरे समाज और पूरे देश में जाने वाला है। ऐसा है, कल माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हिंदुस्तान के आ रहे हैं, अपने विचार रखेंगे और 9 साल की जो उपलब्धियाँ हैं हरियाणा की हैं पूरे हिंदुस्तान की, वो कार्यकर्ता के बीच में रखेंगे और मैं समझता हूँ कि उस बात का जितना बड़ा नेता हो, जितना बड़ा लीडर हो, उस बात का एक अपना असर होता है, उनका असर होगा कार्यकर्ता के दिमाग में बैठेगी, कार्यकर्ता में दिमाग में बैठ गई तो समझ लो पब्लिक के दिमाग में वो अपने आप बैठाते हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि पंडाल आगे देखा है, इंतजाम बहुत अच्छा है और कोई कोर कसर नहीं है, तो काम बढ़िया होगा, यहाँ से जिंदाबाद करते जाएंगे BJP जिंदाबाद। देखिए, जैसे हिमांशु जी आपने कहा कि कल ये अंत्योदय सम्मेलन है, वाकई अपने आप में जिस नाम को लेकर, जिस एक बात को लेकर हमारी केंद्र की सरकार भी, हरियाणा की सरकार भी अंत्योदय को लेकर आगे बढ़ रही है, हमारे सरकार का, हमारे जो पार्टी का एक नारा है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये जो कल लाभार्थी यहाँ पर आ रहे हैं इनको किसी ना किसी सरकार की योजना का लाभ मिला है। पिछले 9 वर्षों में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं कि उन योजनाओं को के किसी ना किसी लाभ
जिसको मिला है वो कल यहाँ आ रहे हैं और लगभग 40-50 हज़ार लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मेलन है, हम सब करनाल वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे माननीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नायब सैनी जी, अन्य केंद्रीय और हमारे राज्य के मंत्री भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं।